हालात के अंदर हों, और वियतनाम दुनिया का सबसे सेकंड लार्जेस्ट कंट्री है जिसके अंदर कॉफ़ी पैदा की जाती है, कॉफ़ी बनाई जाती है। ये कॉफ़ी का प्लांट है, मैं नॉर्मली आपको ये प्लांट दिखा रहा हूँ, ये बहुत बड़ा ऐसा प्लांट है, ये पूरा प्लांट ऐसा है, मतलब पूरा पूरा ये सिस्टम ऐसा बना रखा है जिसके अंदर ये देख, ये जानवर मैंने एक वीडियो में दिखाया था आपको, ये दो दिख रहे हैं, दो जानवर हैं ये देखिए, ये दो जानवर हैं। और ये जानवरों के बारे में आपको शायद किसी किसी भाई को पता लग गया होगा कि ये जानवर किस काम में आते हैं, ये देखिए। और यहाँ एक नहीं, ऐसे बहुत सारे ऐसे जाल बना रखे हैं, ये हो गए इसके अंदर पाल रखा है, आगे आप देखेंगे आगे भी, और ऐसे बहुत सारे केस बना रखे हैं। वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो भाई वीडियो को लाइक कर दें, पेज को फॉलो कर दें। देखो उसके अंदर उसका घर बना हुआ है, ये घर बना रखा है, ये सारे कॉफ़ी बनाने में यूज़ होते हैं, ये सारे जीव हैं कैसे कॉफ़ी बनाने में यूज होते हैं। ये कॉफ़ी का प्लांट है, आप देख रहे हैं, ये नॉर्मली सिर्फ दिखाने के लिए यहाँ रखा है, कॉफ़ी का प्लांट है। ऐसे पूरे खेतों के अंदर, यहाँ ऊपर देखेंगे आपको, आगे दाएं बाएं सब जगह कॉफ़ी के प्लांट दिखाई देंगे। यहाँ कॉफ़ी ऐसे लगती है जैसे कि नॉर्मली कोई भी पेड़ अपने आप उग जाता है ऐसे करके। तो ये कॉफ़ी का प्लांट है भाई, कॉफ़ी के पत्ते देखो, ये कॉफ़ी के बीज आपने देखे होंगे इस तरह से, ये कॉफ़ी होती है। और ये इस तरह से एक सीड निकला, एक सीड निकल के ये गिर गया भाई, ये कॉफ़ी का सीड है, ये देखो इसके अंदर से ये कॉफ़ी का सीड है। और ये सीड है ये कॉफ़ी के, मैं थोड़ा खा के टेस्ट करके भी देखता हूँ कैसा लगता है। इसको मैं खा के चेक करता हूँ कॉफ़ी का, ये थोड़ा मीठा मीठा इसका टेस्ट आ रहा है। इन सब के अंदर जानवर रखे हैं भाई, और ये इन बीजों को खाते हैं, उन बीजों को खाने के बाद जो कॉफ़ी बनती है मैं आगे चल के वो दिखाता हूँ आपको कैसे इनका यूज़ करते हैं। इन सब के अंदर ये पाल रखे देखो, और इनका काम है कॉफ़ी बनाने का काम है, ये कॉफ़ी बनाते हैं, ये जो इन बीज को खाते हैं ना, फिर उसके बाद जो पोटी करते हैं उस पोटी को कलेक्ट करते हैं। और इनका पानी भी यहाँ रखा हुआ है, देखिए यहाँ इनका पानी रखा है, और ये सीड खाते हैं ये जानवर सारे के सारे। अभी मैं आगे चल को प्रोसेस दिखाता हूँ, प्रोसेस कैसे बनती है कॉफ़ी का आगे चल के। ये देखो ये सारे जानवर जाल के अंदर बंद कर रखे हैं, ये सारे केज इन्हीं के बने हैं भाई। मैं आगे चल के प्रोसेस दिखाता हूँ भाई आपको, मज़ा आएगा जान के, ऐसी यूनिक जानकारी भाई आपको यहीं देखने को मिलेगी। उसके बाद मैं आपको फार्मर्स के पास लेके चलूँगा खेत के अंदर, जहाँ खेतों में फार्मिंग करते हैं। ये देखो इस तरफ सारे केज बने हुए थे, ये अभी हम आ गए हैं यहाँ, और इसका ड्राइंग व्राइंग करने का सुखाने का सारा तरीका दिखाएंगे। इनको बीजों को वो जो खा जाते हैं वो खाने के बाद उनको ना एक सप्ताह ड्राई करते हैं, वो प्रोसेस भी दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखो भाई ये कॉफ़ी ड्राइंग यार्ड, जो जीव खाते हैं उनके खाने के बाद ये कुछ ऐसा बाहर निकलता है। और इसको ना ये ज़्यादा हाईली मतलब एनर्जी वाली, ज़्यादा इफेक्टिव, ज़्यादा मतलब इसका रियल यूज़ होता है ना, जो रियल कॉफ़ी जिसको बोलते हैं वो ये कॉफ़ी होती है, ये उसकी पोटी है। और उसके बाद इसको अलग अलग करके ना यहाँ इसको ड्राई करते हैं, ये देखो ये इसको सुखा रखा है, और सुखाने के बाद ना इसके ऊपर इसको पकाते हैं, और पकाने के बाद फिर इसके ऊपर इसको उस मशीन से, मशीन दिखाऊंगा आपको, मशीन से इसको पीसते हैं, ये देखो। ये पूरी कॉफी रखी हुई है भाई यहाँ पे, कॉफी ड्राइंग यार्ड है। नॉर्मल सिर्फ ऐसे धूप के अंदर सुखाते हैं बाहर की बार, उसके बाद ये सूख जाती है कैफे लाइट। और उसके बाद भाई इनको पकाने के बाद फिर यहाँ पे ये इनको पीसते हैं, ये कॉफ़ी रोस्टर है, यहाँ पर कॉफ़ी को रोस्ट करते हैं। देखो इसके अंदर डाल के इसके ऊपर चढ़ के, ये चढ़ने का जगह बता रखा है, इन सीढ़ियों में चढ़ के इसके ऊपर इसके अंदर कॉफ़ी डालते हैं भाई, और यहाँ कॉफ़ी रोस्ट होती है, रोस्ट होने के बाद यहाँ गिरती है, यहाँ से निकल के आपको शेड भी दिखाई देंगे,
ये देखो ये, और उसके बाद यहाँ से भी कॉफ़ी को, ये जो झरने हैं इसको और बारीक पीसते हैं, और बारीक पीसने के बाद यहाँ से नीचे निकलती है। ये देखो ये प्रोसेस है नॉर्मल कॉफ़ी बनाने का भाई, यह मैंने दिखाया आपको। और ये कॉफ़ी के प्लांट देखो, ये देखो ये कॉफ़ी के प्लांट है सारे के सारे, और ये सारे जीव जो मैंने बताए थे इसके अंदर देखो वो सो रहे हैं। ए सो रहा आराम से मस्त। ये लो जी, वीडियो को लाइक कर दो जितना हो सके भाई। अब मैं आपको और खास खास जगह दिखाऊंगा, फार्मर्स के पास भी जाऊंगा, वो फार्मर्स की ज़िंदगी क्या होती है, वो फार्मर के कॉफ़ी के पूरे बाग दिखाऊंगा कि वो कॉफ़ी कैसे बनाते हैं, कैसे ड्राई करते हैं, जो खेती कर किसान लग रहे होंगे ना वो जगह दिखाऊंगा। अरे खा जाएगा अंकल जी, दांत निकाल रहा है वो। He's angry. No, angry. No more. ले भाई। ये अंकल जी मेरे साथ है भाई, ये घुमा रहे मेरे को पूरा का पूरा। यहाँ के भी नज़ारे देखो बाहर के भाई, ऐसे हैं, ऐसा कुछ दिखता है। अब मैं आपको थोड़ा बाहर का नज़ारा दिखाता हूँ भाई, लाइव को एंड भी करता हूँ और आगे चल के मैं आपको खास खास चीज़ दिखाऊँगा। ये पूरा फार्मिंग एरिया है, किसानों को खेती करने का एरिया पूरा भाई है। ये देखो